तो यहाँ हमें क्वेश्चन क्या दिया है, डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव एच प्लस आयंस? तो देखो बेसिक सोल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर ओ एच माइनस आयंस रहते हैं, जो बेस रहता है उसके अंदर ओ एच माइनस आयंस रहते हैं। लेकिन हमें पूछा है क्या बेसिक में एच प्लस आयंस रहते हैं, एच प्लस आयंस रहते हैं क्या बेस में? आप मेरे को कमेंट करके बताओ, रहते हैं क्या नहीं रहते हैं वो आप बताओ, ठीक है? इफ़ येस देन वाई आर दिस बेसिक, अगर रहते हैं तो ये बेसिक क्यों हैं, ये हमें पूछा गया है। तो इसका आंसर सिंपल से क्या हो जाएगा, इसका सिंपल से ये हो जाएगा आंसर कि बेसिक सॉल्यूशन हैव एच प्लस आयंस। अब बेसिक सॉल्यूशन के पास एच प्लस आयंस होता है, लेकिन ये एसिडिक नहीं होते। ये एसिडिक क्यों नहीं होते, क्योंकि बट दीज आर फार लेस इन नंबर ऑफ देन ओ एच माइनस आयंस। लेकिन क्या है, जो एच प्लस आयंस है, एच प्लस आयंस है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जो उसके साथ ओ एच माइनस आयंस रहते हैं, बेसिक में हमने क्या पढ़ा है कि उसके अंदर ओ एच माइनस आयंस रहते हैं, जो बेस रहते हैं उसके अंदर ओ एच माइनस आयन रहते हैं। तो बेस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ओ एच माइनस आयन रहता है और बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में एच प्लस आयंस रहता है, इसलिए क्या है इसे हम बेसिक बोलते हैं। यह रहता है बेसिक इन नेचर, क्योंकि उसके अंदर ओ एच माइनस आयंस ज़्यादा रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एच प्लस आयंस रहते ही नहीं है, एच प्लस आयंस रहते हैं लेकिन बहुत कम रहते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे बेस बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं, और उसके अंदर ओ एच माइनस आयंस रहते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर ये आपको क्वेश्चन समझ गया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।